हेलो ब्यूटीफुल बटरफ्लाइज, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। चलिए आज का रीडिंग स्टार्ट करते हैं फॉर अर्थ साइन पीपल। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जोडियक साइन के पीपल, आप लोगों के लिए इस न्यू मून में क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस है, वो हम लोग देख लेंगे। हम लोग मूनोलॉजी कार्ड से स्टार्ट करते हैं, हमारे प्यारे से गणु जी का नाम लेके हम लोग ये रीडिंग स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। ओके थैंक यू। चलिए देख लेते हैं क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं आपके आपके लिए इस न्यू मून में। थैंक यू सो मच। थैंक यू एंड हियर वी गो। ओके बहुत सारे कार्ड्स आए हैं लेकिन हम सब लेने वाले। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। वाओ, आपने जिस चीज के पीछे एफर्ट दिया है उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है। वेरी गुड। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ओके, आपके लिए ना बहुत ही ब्यूटीफुल एक फ्यूचर वेट कर रहा है, आपका ड्रीम लाइफ है, लेकिन उसके लिए आपको अभी कंफर्ट जोन से निकलना होगा। कंफर्ट जोन यानी नेगेटिव सिचुएशन में अटक के रहना कि उसने मेरे साथ गलत किया, उसने मेरे साथ ये किया, वो किया, दूसरों को ब्लेम करना, ये भी एक कंफर्ट जोन है। तो उस जगह से निकलने के लिए कहा जा रहा है और अपने ऊपर फोकस करने के लिए कहा जा रहा है। बोला जा रहा है कि ठीक है, चलो जो हुआ तुम्हारे साथ हुआ, उस चीज़ को बार बार दोहराने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ो, अपने ऊपर ध्यान दो, खुद से क्या कर सकते हो उस वो चीज़ देखो। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। ऐसा नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया। नो, आप जब चाहोगे तभी वो चीज़ ख़त्म होगी। जब तक आप जीत नहीं जाते, जब तक अपना डिज़ायर हासिल नहीं कर लेते, तब तक रुकिए मत। ठीक है, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। सी, यू आर, इसलिए आपके साथ थोड़ा सा टेस्ट टाइप ऑफ, मतलब थोड़ा सा एग्ज़ाम लिया जा रहा है कि चलो देखते हैं कि ये जो डिज़ायर मांग रहा है या डिज़ायर इसका है, वो लेने का या उस चीज़ को पाने का कैपेबल है या नहीं, काबिल है या नहीं। ठीक है, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। अगर आप लोग बिजनेस करना चाहते हो या ऐसा कोई काम करना चाहते हो, या जनरली आई फील लाइक यहाँ पे फेमस, ये वर्ड मुझे दिख रहा है फेमस, कि आप थोड़ा फेमस होना चाहते हो, आप जो भी काम करते हो उस एरिया में, उस फील्ड में, तो आपको पहले लोगों के पास जाना पड़ेगा, फिर लोग आएंगे आपके पास। ठीक है, What you need to release? You need to release the old beliefs. You need to release the old thoughts, the old patterns, the old you. ठीक है, ये सारे चीज रिलीज करने की जरूरत है। यहाँ पे आप लोगों के लिए मुझे स्टार गेजिंग, ये शब्द बहुत सुनाई दे रहा है कि आप लोगों को स्टार गेजिंग की बहुत ज़रूरत है, या मून गेजिंग, मून मेडिटेशन आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया रहेगा अर्थ साइन पीपल। ठीक है, आप लोग सही रास्ते में हो, एक्चुअली में आप लोग सही रास्ते में हो, आपको सिर्फ विश्वास की ज़रूरत है। ओके, चलिए देख लेते हैं टैरो कार्ड से आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू सो मच। आपका जो एनर्जी है ना, वो बहुत ही हील्ड, बहुत ही शांत, बहुत ही ब्यूटीफुल मैं फील कर पा रही हूँ। मतलब ये जो मैसेज आया ना कि यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, ये चीज़ आप फील कर पा रहे हो कि हाँ मुझे अब वो चीज़ मिल रहा है, सिचुएशन बन रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। सेलिब्रेशन, यहाँ पे सेलिब्रेशंस है। आई फील लाइक आप बहुत अच्छे मार्क्स लेके पास आउट हो रहे हो, या बहुत अच्छे मार्क्स आपको एग्जाम में मिल रहा है, यहाँ पे वो सेलिब्रेशन है। आपके अंदर जो डर है उस चीज़ को रिलीज करने की ज़रूरत है। आप नींद में बहुत ही
ड्रीम्स देखते हो, बहुत सपने देखते हो अपने डर को लेके। आई फील लाइक ऐसा ड्रीम भी आप देखते हो कि आप बहुत ऊंची कोई बिल्डिंग से या ऊंची कोई जगह से आप गिर रहे हो, ये ड्रीम आप बहुत देखते हो। तो यहाँ पे सेल्फ कॉन्फिडेंस का थोड़ा सा लैक है, ठीक है, उस चीज़ को इनक्रीज करने की ज़रूरत है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने की ज़रूरत है। आप रात बहुत जगते हो, रात में आप फ़ोन लेके बहुत ही ज़्यादा टाइम पास करते हो, बहुत ही ज़्यादा रील्स देखते हो, उस चीज़ को कम करने के लिए कहा जा रहा है, वो आपके हेल्थ के ऊपर। अगर आप काम के चीज़ देखते हो दैट्स ओके, अगर आप बेफिजूल के चीज़ें देखते हो तो आपको कहा जा रहा है वो आपके हेल्थ के ऊपर बहुत ही गहरा असर डालेगा अगर आप अभी उस चीज़ को बंद नहीं किए तो। आपका जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। रात का वक्त आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, एंड मैं ये कह सकती हूँ कि अगर जो भी काम आप करते हो अगर रात के टाइम में आप करोगे तो वो बहुत ही फ्रूटफुल साबित होगा आप लोगों के लिए। यहाँ पे ओवरसीज ट्रैवल भी है इस न्यू मून के टाइम से, आप लोगों के लिए ऐसा सिचुएशन बनना स्टार्ट हो रहा है कि आप ओवरसीज ट्रैवल करें। अगर आप अपने घर में कैंडल्स जलाते हो, अगरबत्ती जलाते हो, फायर को लेके जो काम है वो आप करते हो तो आपको कहा जा रहा है थोड़ा सा ध्यान रख के कीजिए, ठीक है। ओके, फोर ऑफ कप्स। पास्ट में जो हो गया है उस चीज़ को अपने दिमाग में मत दोहराइए बार बार, जो हो गया है वो हो गया है, उस चक्कर में जो है आपके पास वो भी आप गवा रहे हो। सिंपल बात आपको कहा जा रहा है उस चीज़ से फोकस हटाइए। ओके, आप फाइनली अपना जो ड्रीम है वो अचीव कर पा रहे हो। सी यहाँ पे वो कार्ड ही आया था, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। सी ये कन्फर्मेशन कार्ड है। यहाँ पे मुझे जॉब प्रमोशंस भी दिख रहे हैं, वाओ। यहाँ पे मुझे नया घर भी दिख रहा है, बहुत आई फील लाइक आप लोग नया फ्लैट लेना चाह रहे थे या नया घर लेना चाह रहे थे और उस घर के ऊपर बहुत सारे लोगों की नज़र थी, लेकिन उस वहाँ पे भी आप अपना दाव मार दी, ठीक है, वो भी आपका हो गया। यहाँ पे डेथ कार्ड है, यहाँ पे न्यू बिगनिंग है, यहाँ पे न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, पुराने कुछ चैप्टर्स, पुराने कुछ इंसान आपके लाइफ से टाटा बाय बाय हो रहा है, वो जा रहे हैं आपके लाइफ से। या इस न्यू मून में वो सिचुएशन बन रहा है कि न्यू बिगनिंग है। आई फील लाइक यहाँ पे कुछ पुराने इंसान के साथ, पुराने कुछ पर्सन के साथ भी न्यू बिगनिंग है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं एंजल कार्ड्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू सो मच। आर्ट साइन पीपल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, आप लोगों के लिए गाइडेंस बहुत ही सीरियस गाइडेंस आ रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ अगर आप कर ली तो आपका जो फ्यूचर है वो बदलना स्टार्ट हो जाएगा। वाओ, ब्यूटिफुल। इफ़ यू बिलीव, अपने ऊपर भरोसा करने के लिए कहा जा रहा है। पहली बात, आप अपने ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हो, दैट्स वाई यहाँ पे मून का कार्ड आया है कि आप अंदर ही अंदर बहुत डाउट क्रिएट करते हो कि मैं पता नहीं मैं कर पाऊँगी या नहीं, मेरा पर्सन मेरे पास वापस आएगा या नहीं, बहुत डाउट क्रिएट कर रहे हो। ऐसे डाउट्स नहीं करना है, टेक एक्शन। यहाँ पे पहले ही आया था ना कि बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, अगेन ये आया है, टेक एक्शन। अगर आपको कोई चीज़ पसंद है, अगर आप कोई चीज़ पाना चाहते हो तो आप जाके पहले उस चीज़ का इजहार कीजिए, बताइए, इट्स अप टू यू। ये एंड मोमेंट है, ये एंड मोमेंट है। यहाँ पे आपको अपना जो पावर है, अपना जो मेंटल स्टेट है, उसको कंट्रोल रखने का एक एग्जाम लिया जा रहा है कि कितना आप अपने ऊपर बिलीव कर रहे हो। वाओ, बी असर्टिव, यहाँ पे आपको पॉजिटिव रहने के लिए कहा जा रहा है। इम्प्रूविंग हेल्थ, यहाँ पे आपका हेल्थ इश्यूज जो भी है आपके और आपके फैमिली मेम्बर्स के, जिसके जिनके भी हेल्थ इश्यूज है, वो यहाँ पे रिजॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है एंड ठीक होता हुआ भी नजर आ रहा है। वाओ, ओके,
चलिए देख लेते हैं इस न्यू मून में आप लोगों को किस चीज़ के ऊपर ग्रैटिट्यूड शो करने की ज़रूरत है। अर्थ साइन पीपल, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपका एनर्जी जो है ना वो थोड़ा सा हैवी एनर्जी है। थैंक यू सो मच। आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट करें या कुछ मूवमेंट या डांस क्लासेस ज्वाइन करना, योगा क्लास ज्वाइन करना, सिंपल वॉकिंग ही स्टार्ट करें, ठीक है। वॉकिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एनर्जी अफर्मेशन, आई एम फुल ऑफ रोबस्ट एनर्जी, आई कैन स्टेप अप टू वॉट एवर चैलेंजेस लाई अहेड बाई कॉलिंग दिस एनर्जी रिजर्व, माई एनर्जी इज स्टेडी एंड सस्टेन्ड। सिंपल बात है, आपको कहा जा रहा है आपका जो एनर्जी है चाहे कोई भी चैलेंजेस आपके सामने आ जाए आपको हिलना नहीं है, तूफान आने वाला है उसके सामने चट्टानों की तरह खड़े रहना है, ठीक है, ताकि कोई भी तूफान आपको हिला ना सके। तो एनर्जी अफर्मेशन आपके लिए है। टेंडिंग टू द टास्क ऑफ डेली लाइफ अफर्मेशन, आपको ये कहा जा रहा है कि आप डेली लाइफ अफर्मेशन स्टार्ट करें। कैसे? आई एम पेशेंटली लविंग इन माई होम एंड क्रिएट सेंचुरी टू माई सेल्फ एंड दोज हु शेयर माई स्पेस, फैमिली फ्रेंड्स, मेनली फैमिली मेम्बर्स एंड आपके घर के लिए ये चीज़ है, क्योंकि घर में आप हर रोज़ रहते हो, आप वहाँ अपना नींद पूरा करते हो, ठीक है, तो आपको घर, आपके घर के लिए और घर में रहते हुए जो मेम्बर्स हैं उनके लिए ये अफर्मेशंस, डेली अफर्मेशंस आपको करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है, कि मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ इस घर के लिए, फैमिली मेम्बर के लिए जो मेरे साथ रहते हैं, जो मेरे, हाँ जो मेरे साथ रहते हैं, यस शेयर माई स्पेस, तो उनके लिए भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि बहुत लोगों के पास फैमिली नहीं है, आपके पास है, उस चीज़ का ग्रैटिट्यूड शो करने की ज़रूरत है। स्टेइंग इन सेंटर एफर्मेशन, आई टेक 3 लॉन्ग स्लो ब्रेथ, आई एम सेंटर्ड। जब भी आप बहुत ट्रिगर्ड महसूस कर रहे हो कि कुछ चीज़ आपके कंट्रोल से बाहर जा रहा है, तब भी आपको ये करना है, क्या, टेक 3 लॉन्ग डीप ब्रेथ्स, मैं शांत हो गई बस। 7 चक्रा एनर्जी अफर्मेशन, ओके, तो यहाँ पे क्राउन चक्रा के ऊपर कहा जा रहा है, आपका जो माइंड है वो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है कभी कभी, इसलिए वहाँ पे मून का कार्ड आया है। आई एम कनेक्टेड टू द हाइएस्ट गुड एंड द ग्रेटेस्ट लव, दिस एनर्जी इज अवेलेबल टू मी वेन एवर आई चूज टू टैप इन टू इट। यहाँ पे क्राउन चक्र मेडिटेशन के लिए भी आपको कहा जा रहा है, वाओ, यहाँ पे वो अफर्मेशंस भी है, ओके। नेक्स्ट चलिए देख लेते हैं हमारे प्यारे से गन्नू जी के कार्ड से आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपका इस न्यू मून जो है, जो भी यहाँ पे न्यू मून का जो टाइम है ना, वो बहुत चेंजेस लाने वाला है आपके लाइफ में, बहुत चैलेंजेस भी लाने वाले हैं, और इस चैलेंजेस की वजह से आपके लाइफ में बहुत चेंजेस आने वाले हैं। थैंक यू सो मच। बहुत लोगों का वीज़ा लगने वाला है इस वक्त। परफेक्शनिज्म इज़ अ मिथ, ठीक है, परफेक्ट कोई नहीं होता है, जितना परफेक्ट बनने की कोशिश करोगे उतना आप अपना जो फ्रीडम है उसको खो देंगे, ठीक है, तो परफेक्ट बनने का बिल्कुल कोशिश मत करें। जैसे है फ्रीडम को फील करें, ठीक है, परफेक्शनिज्म इज अ प्रिजन, ये एक जेल की तरह है और ये एक बर्डन भी है। एंजॉयमेंट, सी स्ट्रीविंग एंड पुशिंग मेक्स लाइफ इनटू एंडलेस हार्ड वर्क, द मोर यू इनवाइटिंग लव टू टेक ओवर द मोर एंजॉयमेंट कम्स। जितना चैलेंजेस को आप प्यार करने लगोगे, आप इन्जॉय करने लगोगे ना, उतना चैलेंजेस हार्ड नहीं लगेगा आपको, आपको लगेगा बहुत चीज़ें सीखने को मिल रहा है इस वक्त। चैलेंजेस हमारे पास आते हैं चीज़ें सिखाने के लिए, अगर एक बार वो चीज़ आप समझ गए फिर चैलेंजेस कोई हार्ड, वाह मतलब बहुत हार्ड वर्क नहीं लगेगा, आपको बहुत मज़ा आने लगेगा कि अच्छा ये भी करना है, वो भी करना है, चलो ये भी सीख लेते हैं, वो भी सीख लेते हैं, है ना। थैंक यू सो मच।
थैंक यू. पेशेंस, सी ये चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए. आप बहुत जल्दी पेशेंस लूज कर लेते हो. इफ़ यू हैव ट्राइड फॉर एवर टू शिफ्ट अ प्रॉब्लम, दे आर प्रोबेबली समथिंग टू लर्न फ्रॉम एम्ब्रेसिंग इट. मे आई लेट दिस बी फॉर नाउ, हेल्प मी रिलैक्स एंड ट्रस्ट एवरी नीड विल बी मेट. ऑफन चेंज सून फॉलोज. आपको कहा जा रहा है रिलैक्स, मतलब रिलैक्स एंड ट्रस्ट करें. जितना आप चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, जितना आप सोचेंगे मैं क्या करूँ इस चीज़ को ठीक करने के लिए, मैं क्या करूँ, ज़रूरत नहीं. आप भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, वो आपको रास्ता दिखाएंगे. आपको सिर्फ उस रास्ते में चलना है. कैसे? विथ पेशेंस, रिलैक्स एंड ट्रस्ट के साथ. डायरेक्शन, सी मैंने अभी कहा कि भगवान आपको वो रास्ता दिखाएंगे, आपको सिर्फ चलना है. जब अगर गलत रास्ते पे आप चलोगे ना, तो भगवान की तरफ से वो भी इशारा आ जाएगा कि नहीं चलना है बेटा, शांत हो जाओ, थम जाओ. तो जब आप कंफ्यूज हो जाते हो किधर जाना है किधर नहीं जाना है, जस्ट गो विद द फ्लो. ज़्यादा चीज़ों को कंट्रोल करने की अगर आप कोशिश करोगे, तो वो और भी हाथ से छूटता हुआ नज़र आएगा. ओके, तो अर्थ साइन पीपल, यही कुछ मैसेजेस है फॉर न्यू मून के टाइम में. आई होप आप लोगों को ये रीडिंग अच्छा लगा हो. अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें. कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी और किस टॉपिक के ऊपर आप रीडिंग लेना चाहते हो. ठीक है, चलिए मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ, नई रीडिंग के साथ. तब तक के लिए बाय, टेक केयर.